करेंसी पे मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। टुडे इज 30th of January 2024 ट्यूजडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्मा। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.41, सो इंडेक्स काफी कंसोलिडेशन के अंदर चल रहे फॉर ए कपल ऑफ डेज। आपका यही एक स्मॉल रेंज बिटवीन 103 एंड 103.90 के बीच में ही चल रहे हैं। जब तक इस रेंज ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक का थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीकली पे एक इन्वर्टेड पिन पर अंडर फॉर्मेशंस हैं, लेकिन अभी काफी वीक को कंप्लीट होने में काफी टाइम बाकी है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 104 से 104.25, और यहाँ पे सपोर्ट में एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं देन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ डॉलर इंडेक्स टू वीकन फर्दर, लेकिन अभी वो हो नहीं रहा है। प्राइस कंसोलिडेशन के फेज में जा रहे हैं, डॉलर रुपी कंसोलिडेशन जारी है। कल ये ट्रेडेड इन बिटवीन 83.11 एंड 83.15, सो उसी के बीच में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर भी काफी ज्यादा कंसोलिडेशन डॉलर रुपी में दिख रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन जब तक ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी डॉलर में कल नीचे की तरफ ट्रेड हुआ था आपका अब 1.0662, बट लोअर लेवल कुडंट सस्टेन एंड प्राइस मूव्ड हायर। जब तक ये रेंज के अंदर में है, कौन सा रेंज है आपका 1.28 से 1.2830 का रेंज ऑन द हायर साइड, एंड नीचे की तरफ 1.26 एंड 1.2620 इस रेंज के अंदर में है। तब तक प्राइस चौपी वॉलेटाइल बिहेवियर करने का एक्सपेक्टेशंस है। एक बार ब्रेकआउट होगा आइदर डायरेक्शंस में, उसके बाद हमें एक मोमेंटम मिल सकते हैं। जीबीपी आईएनआर वो भी कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं आपका। ऑन द हायर साइड 106.7090 एंड ऑन द लोअर साइड 104.7595 के बीच में है। जब तक इसी रेंज के अंदर में है तो वॉलेटाइल चौपी रेंज बाउंड बिहेवियर्स हम देख सकते हैं। एक बार ब्रेकआउट करने देते हैं, उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेंडेड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे। उस तब तक हमें ये साइडवेज कंसोलिडेशन फेस से गुजरना पड़ेगा। यूरो डॉलर करेंटली 1.0835, कल के दिन में एक के नीचे के तरफ 1.0795 तक हमने देखे हैं, लेकिन प्राइस कोडेड सस्टेन एट द लोअर लेवल रादर क्लोज हायर एट 1.0821। यहां पर भी एक वीकली रेंज बना हुआ है, ऑन द हायर साइड 1.093050 एंड ऑन द लोअर साइड 1.0800 से 1.0810 के बीच में। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते साइडवेज कंसोलिडेशन यहां पे जारी रहने का एक्सपेक्टेशन है। यूरो आईएनआर में भी एक कल के दिन में लोअर लेवल पे ट्रेड किया तो 89.75, बट कुडंट सस्टेन एट द लोअर लेवल एंड फाइनली 90.07। यहाँ पर भी एक रेंज बन चुका है, ये रेंज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, ये रेंज है ऑन द हायर साइड 90.8090 एंड ऑन द लोअर साइड आपका 89.8090। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर येन साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है इन बिटवीन 148.80 ऑन द हायर साइड एंड 146.90 ऑन द लोअर साइड। यहाँ पे एक देखने का बात ये है कि आपका देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की डॉलर येन नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है टुवर्ड्स 144.30। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शंस को देखना है। एक बार अगर बेयरिश प्राइस एक्शंस हमें मिल जाते हैं तो यहाँ पे सेलिंग के लिए हम बैठ सकते हैं। येन आईएनआर ये एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेशंस हो रहा है, हमें बेसिकली एक डब्ल्यू पैटर्न का इंतजार है। एक बार ये डब्ल्यू मिल जाते हैं उसके बाद उस नेकलाइन के हाई के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं। डॉलर कैंडी अभी है 1.3425, ये एक एम पैटर्न डेली एम पैटर्न के लिए इंतजार हो रहा है। जैसे इसके लो के नीचे सस्टेन करेगा देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज डॉलर कैंडी में मूव फर्दर डाउन टुवर्ड्स 1.3250 की तरफ। ऑसी डॉलर लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन जारी है, कंसोलिडेशन के बाद ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब तक ये जो एक
0.661520 के ऊपर क्लोज नहीं दे देते हैं तब तक ये कंसोलिडेशन जारी होगा, एक बार इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं ऑन द हायर साइड, इन सच ए केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ऑसी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.671020 ये नीचे 7.1740। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, हमें एक्चुअली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है व्हाटएवर द मॉनेटरी मेजर्स द पीबीएस हैज टेकन, क्या ये लॉन्गर टर्म में इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कामयाब होगा या नहीं, एंड दैट विल बी मींस सीन इन सीएनएच प्राइस एक्शंस। ऑल्दो यहाँ पे काफी मींस पीबीएसई का इंटरवेंशनल जो हैंड है हाई हैंडेडनेस है काफी एक्टिव है यहाँ पे, फिर भी इसमें जब तक एक्चुअल इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी में मींस ग्रोथ नहीं देखा जाता है तब तक करेंसी स्टेबिलाइज स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी से पहले हम आते हैं ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड अभी है 82.55, कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है ये बहुत ही खतरनाक कैंडल ये है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका पोजीशन ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस 84.40-50 ऑन द लोअर साइड सपोर्ट एट 81.30-50। ये स्पिनिंग टॉप के आइदर साइड ब्रेकआउट पे एक जबरदस्त मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ये जो इमीडिएट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 84.30-50 इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट करते हैं तो हमें हायर ऑर्बिट में ब्रेंट क्रूड जाने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लो के नीचे ब्रेक करते हैं स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे देन इन सच ए केस 81.30 के नीचे दिस ऊपर की तरफ का जो ब्रेकआउट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट। इन सच ए केस आपका ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है एक्सपेक्टेड टू ट्रेड लोअर टुवर्ड्स 76.30-50। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी करेंटली 4.078। यहाँ पे एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंडलाइन सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज देते हैं इन सच ए केस एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी 4.32 कंसोलिडेशन जारी है, यहाँ पे जो जोन है इस कंसोलिडेशन के बाद हमें आपका एक ट्रेंड एंड बिहेवियर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वीकली वाला चार्ट है, सो बेसिकली 31st को यानी कल के दिन में एफएमसी रेडी सेशन से उसके वहाँ पे कुछ मेजर्स फेड ऑफिशियल्स मींस डिक्लेयर करते हैं पॉलिसी रिलेटेड, अगर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के रेट कट इमीडिएटली आने वाले हैं या नजदीक आने वाले हैं इन सच ए केस इस लो को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आना चालू करेगा। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी ये जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन जोन बिकम्स अ वेरी क्रूशियल जोन, एक बार इस जब तक इसके बाहर नहीं निकलते तब तक यहीं पे साइडवाइज बिहेव करेगा। सो हमें इंतजार रहेगा इस जोन को ब्रेक आउट करने के लिए पॉसिबली ऑन द लोअर साइड। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट।